बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पॉपुलर फिक्शन की तीसरी नावल का प्लॉट ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इस नावल को हमारे साथ कामिला शमसी ने लिखा है। इनकी काफ़ी दूसरी नावल्स हैं, जिसमें से इन द सिटी बाय द सी, कार्टोग्राफी, होम फायर और बर्न शेडोज इट्सेल्फ, ब्रोकन वर्सेस एक और वर्क है इनका, वो इंक्लूड है। बर्न शेडोज जो कि ये 2009 में पब्लिश हुई थी, और इसमें से पोस्ट कॉलोनियल थीम ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम देख सकते हैं। इसी तरह इस नावल के प्लॉट को अगर और इसकी स्टोरी को अगर हम देखें, तो इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स और उनका इम्पैक्ट इंडिविजुअली और सोसाइटी में किस तरह हुआ है वो हम देख सकते हैं। इस बर्न शैडोज का आगाज 1945 से होता है और 9/11 पर जाकर के ख़त्म हो जाते हैं। कामिला शमसी के जितने भी ओवरऑल अगर हम वर्क देख लें, तो उनमें से आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, फैमिली रिलेशनशिप, इन सब को हिस्टोरिकल बैकड्रॉप या हिस्टोरिकल इवेंट्स के तनाजुर में पेश किया गया होता है। होम फायर की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो हम ये कह सकते हैं वो कंटेम्प्रेरी रीटेलिंग ऑफ सोफोक्लीज है। और इस स्पेसिफिक वर्क में हम लॉयल्टी टू फैमिली और लॉयल्टी टू स्टेट को देख सकते हैं। कार्टोग्राफी को अगर हम देख लें, तो इसमें से दो दोस्त जो के हैं वो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बर्न शैडोज के कैरेक्टर्स हैं। अब हम सबसे पहले कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं और उसके बाद हम प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। हीरो पतना का हमारे पास मेन प्रोटागोनिस्ट हैं, और ये स्टोरी या जेनरेशन जो कि इन्हीं से इवॉल्व होती हैं। और शी इज जापानीज वुमेन जो कि नागासाकी बॉम्बिंग की सर्वाइवर है, एंड शी इज द मदर ऑफ रजा, शी इज द वाइफ ऑफ सजाद अली अशरफ। कॉनराड वीज जो कि हमारे पास हीरो को तनाका जब जापान जापान में होती है, तो वो वहाँ पे कॉनराड वीज एक जर्मन आदमी होता है उसके साथ शी फॉल इन लव विद हिम। और हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरने के बाद कॉनराड जो के है, ये लोग नागासाकी में रह रहे होते हैं, कॉनराड जो के इसको प्रपोज करता है, और इसी प्रपोजल के बाद जो के है नागासाकी पे भी बॉम्ब ड्रॉप हो जाता है एंड शी एंड ही डाइज। लेटर ऑन हीरो को जो के वो दिल्ली जाती है इंडिया आफ्टर दिस इंसिडेंट, और वहाँ पे वो जो के है बर्टन फैमिली के साथ जो के रहती हैं। तो एलिजबेथ बर्टन और जेम्स बर्टन ये हस्बैंड और वाइफ है। एलिजबेथ बर्टन जो के ये कॉनराड वीज की हाफ सिस्टर है, लेकिन चूंकि इसकी ओरिजिन जो के जर्मन है, तो इसलिए इसका असल नाम एल्स वीज है। इन्होंने जो कि मेड अप नाम जो अपनी जर्मन आइडेंटिटी उसको हाइड करने के लिए एलिजबेथ बर्टन रखा होता है। हीरो को जो कि जब दिल्ली जाती है, तो ये वहाँ पे बर्टन्स के साथ रहती है, और कॉनरेड की जो हाफ सिस्टर है उसके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन होते हैं। अब सज्जाद जो कि है वहाँ पे इनके घर में काम करते हैं एंड ही इज अ क्लर्क, और सज्जाद इसको उर्दू सिखाने की कोशिश करते हैं, उर्दू सिखाता भी है, और फिर इन दोनों के दरमियान जो कि इंटीमेट रिलेशन या दे फॉल इन लव विद ईच अदर। जेम्स बर्टन जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है, और वो हीरो को और सज्जाद के जो रिलेशन है उसको भी जो कि है अप्रूव नहीं करता। इसी तरह हमारे पास रजा अशरफ है, तो रजा अशरफ जो कि ये हीरो को तनाका और सज्जाद अली अशरफ इन दोनों का बेटा है, एंड ही इज हाफ जापानीज हाफ पाकिस्तानी। इसी तरह हैरी बर्टन जो कि ये जेम्स और एलिजबेथ का बेटा होता है, और वो CIA के लिए काम कर रहा होता है। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला हमारे पास जो कि एक यंग अफगान रेफ्यूजी है जो कि रजा के साथ जो कि कराची में फ्रेंडशिप करता है। किम बर्टन हमारे पास एक और कैरेक्टर है, वो हैरी की बेटी है, और हमारे साथ जो कि वो एलिजबेथ की ग्रैंड डॉटर है। अब हम नॉवल की तरफ आते हैं, तो नॉवल हम चार हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं मेजरली। द येट अनोइंग वर्ल्ड, विल्ड बर्ड्स, पार्ट एंजल वॉरियर्स, द स्पीड नेसेसरी टू रिप्लेस लॉस। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो जब हम नॉवल पढ़ते हैं, तो प्रोलॉग है। प्रोलॉग में हम एक प्रिजनर को देखते हैं जो ग्वांतानामो बे में होता है, उसको प्रिजनर्स की जो ऑरेंज कलर की ड्रेस है वो पहनाया हुआ होता है। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि ये प्रिजनर है कौन। पार्ट वन को की अगर हम बात करते हैं, तो नागासाकी का शहर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हिरोको के जो फादर है उनको वहाँ की जो स्टेट होती है वो एज अ ट्रेटर डिक्लेयर करती हैं, और हिरोको जो कि वहाँ पे एक स्कूल टीचर
की काम कर रहे होते, लेकिन जब उनके फादर को एज अ ट्रेडर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो फैक्ट्री में काम करने लग जाती हैं। हिरोको जो कि है वो एक जर्मन फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जर्मन फैमिली में से एक लड़का होता है कॉनराड वीस, उसके साथ ही इसकी काफ़ी फ्रेंडशिप होती है। ये दोनों जो कि काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, और इवेंचुअली हम देखते हैं कि कॉनराड जो कि है वो हिरोको को प्रपोज करता है। अब इनकी प्रपोजल की जो इवेंट है वो मतलब ये हो जाता है, तो उसके बाद जब कॉनराड इनके घर से निकलता है तो नागासाकी पे अमेरिका जो कि वो बॉम्ब ड्रॉप कर लेता है, और कॉनराड वो उसमें से मर जाता है। हीरो को सरवाइव कर जाती है, लेकिन उसके जो जिस्म है उसके कुछ पैटर्न्स रह जाते हैं। नॉवल में हम देखते हैं कि वो बर्ड्स के पैटर्न उसके जिस्म पे रह जाते हैं। वो बॉम्ब इतनी शिद्दत से मतलब एक्सप्लोड हुआ हो चुका है, और उसके इतने ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो कहीं जाकर उस पे गिरे हुए होते हैं हीरोको पे, और उसके बदन पे उसके निशान बाकी होते हैं। हीरोको को अगर हम देखते हैं तो हीरोको जापान में तंग होती है, और वो इसी वजह से तंग होती है कि इसको बॉम्ब सर्वाइवर के नाम से बुलाया जाता है, ना कि उसके जापानीज ओरिजिन की वजह से उसको नहीं पहचाना जाता। आफ्टर 2 ईयर्स हम देखते हैं कि नॉवल जो कि है वो दिल्ली में, हम हीरोको को देखते हैं कि वो दिल्ली आ चुकी होती है, और वो यहाँ पे एज अ ट्रांसलेटर काम कर रही होती है। वो कॉनराड की हाफ सिस्टर एलिजबेथ के साथ मिलती हैं, जेम्स बर्टन के साथ मिलती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सजाद अली के साथ मिलती हैं। एलिजबेथ जो कि है वो जेम्स बर्टन के साथ खुश नहीं है, और जेम्स बर्टन जो कि है वो हमारे पास एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है, इंडिया में पोस्टेड है। सजाद अली और हीरोको जो कि है ये एक दूसरे के साथ मतलब दे फॉल इन लव, सजाद अली इसको प्रपोज करता है एंड दे इवेंचुअली गेट मैरिड। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि जेम्स बर्टन जो कि है सजाद को कहते हैं कि आप दोनों यहाँ पर मत रहें, पार्टीशन का टाइम होता है 1947, कि यहाँ पे वॉयलेंस का खतरा है, आप बेहतर यही है कि आप मुल्क छोड़ कर चले जाएं। सजाद और हिरोको इस्तांबुल चले जाते हैं, और जब ये लोग वापस आते हैं तो पार्टीशन हो चुके होते हैं, एक तरफ पे पाकिस्तान होता है, दूसरी तरफ पे इंडिया होता है। क्योंकि जिस टाइम पे सजाद जा रहे होते उस टाइम पे उसके साथ इंडियन सिटीजनशिप होती है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उसकी वो सिटीजनशिप रिवोक की जा चुकी होती है। इसी वजह से सज्जाद और हीरो को जो कि वो कराची में जाकर एज ए रेफ्यूजी रहने लग जाते हैं। अब हीरो को और सज्जाद का एक बेटा होता है रजा अली अशरफ। इसी दौरान हम देखते हैं कि 1982 है, 1982 में जो कि है अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर एट द पीक होता है। इस नावल में अफगान मुजाहिदीन को इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के लफ्ज़ से पुकार रही है जो राइटर है हमारे पास, और वो ये कह रही है कि CIA जो कि उनको एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर रही होती अगेंस्ट सोवियत रशिया। हम देखते हैं कि जेम्स बर्टन और एलिजबेथ बर्टन की का जो बेटा होता है हैरी बर्टन, वो एज ए CIA ऑपरेटिव होता है, और वो यहाँ पर आकर अशरफ की फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाता है। वो रजा के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाता है, और हम देखते हैं कि रजा इंटर्न एक यंग अफगान रेफ्यूजी होता है अब्दुल्ला, उसके साथ फ्रेंडशिप में आ चुका होता है। अब ये दोनों जो कि अब्दुल्ला और रजा ये अफगान इस मुजाहिदीन के कैंप में चले जाते हैं, या इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो ऑथर है वो कह कर पुकार रहे होते हैं उसके कैंप में चले जाते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि अब्दुल्ला उस कैंप में से गायब हो जाता है। रजा जो कि है वो एक ख़तरनाक सिचुएशन में होता है, जहाँ पर उस कैंप का जो कमांडर होता है वो उसको रेस्क्यू कर लेता है, और जिसकी उसी वजह से करता है कि वो रजा को जानता है कि इसकी रिलेशन हैरी बर्टन जो कि एक CIA होता है उसके साथ कुछ ना कुछ लेना देना है। अब रजा जब अपने घर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसका बाप जो कि वो मर चुका होता है, उसको किसी ने मार दिया होता है। इसी तरह हम जब चौथे पार्ट में जाते तो हम देखते हैं कि ये 9/11 के वाक्य की 3 मंथ बाद हम देखते हैं कि एलिजबेथ और हीरोको हैरी
बर्टन की बेटी किम बर्टन के साथ रह रही होती है। रजा जो कि है ये न्यूयॉर्क में हैरी के साथ एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, अफगानिस्तान में जितने भी प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं उसके खिलाफ। हैरी जो कि है ऑन फील्ड किसी मिशन में मारा जाता है और CIA वो ब्लेम जो कि है रजा पे डाल देती है कि ये रजा ने किया होता है। अब रजा जो कि है वो इसी दौरान अब्दुल्ला से मिल जाता है। अब्दुल्ला जो कि एक अनडॉक्यूमेंटेड टैक्सी ड्राइवर होता है न्यूयॉर्क में और उसको ये डर होता है कि कहीं पे उसे अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ है वो पकड़ ना ले। रजा चूंकि उस पर भी इल्ज़ाम होता है कि वो उसने हैरी का मर्डर किया होता है, इसी वजह से किम बर्टन जो कि हैरी की बेटी है और हीरो को जो इसकी माँ है वो कोशिश करती है कि रजा को किसी तरीके से कनाडा के बॉर्डर के मतलब कनाडा ट्रांसफ़र किया जाए और कैनेडियन बॉर्डर के लिए उसके कुछ अरेंजमेंट्स कर दी जाती हैं। अब रजा ने अब्दुल्ला के साथ जो कि एक मीटिंग फिक्स की होती है और रजा वहाँ पे बैठा देख रहा होता है तो किम बर्टन जो कि है वो अब्दुल्ला को अथॉरिटीज़ के हवाले करती हैं। इसी दौरान रजा जो कि है वो पुलिस के अब्दुल्ला को कहता है कि तुम भागो और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर देता है। हम देखते हैं कि ये नावल एक ओपन एंड में ख़त्म हो जाता है और ओपन एंड में हम अगेन एक प्रिजन में लाए जाते हैं जहाँ पर हम एक ऑरेंज ड्रेस में मलबूस एक शख्स को देखते हैं। इम्प्लिसिटली हमें ये बताया जाता है कि ये शख्स जो कि ये रजा है या तो इसको हैरी बर्टन के केस में पकड़ा गया और या जो कि इसको अब्दुल्ला के केस में पकड़ा गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। आप लाइक करना ना भूलिएगा। इसी तरह हम थीम्स क्या हो